HNBE, UMU, BSc Nursing, JNM, ANM, Paramedical, Second Counseling 2024, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होने वाली है। ऑलरेडी आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता ही होगा कि सेकेंड काउंसिलिंग का जो शेड्यूल है ऑलरेडी जारी हो चुका है कल की डेट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होने वाले स्टूडेंट, सबसे पहले फुल शेड्यूल के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे जिन स्टूडेंट को अभी तक शेड्यूल के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग वालों की काउंसलिंग भी इस बार कंबाइंड हो रही है जीएनएम एनएम पैरामेडिकल वालों के साथ। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने स्टूडेंट, कट ऑफ के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है कि फर्स्ट काउंसिल में कितनी कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस की गई है, उस वीडियो के आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस में यहाँ पे करने वाला स्टूडेंट, और ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार का स्टूडेंट जो भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, रिकमेंडेंट आपको हमेशा करता हूँ कि उस वीडियोज़ को पूरा देखा करो, आपका ही बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस में यहाँ पे करने वाला स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान देने स्टूडेंट, शेड्यूल के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब आप नर्सिंग ऑब्लिक पैरामेडिकल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, शेड्यूल के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन के नीचे शेड्यूल सेकंड। नॉर्मली यहाँ पे हम डेट के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान देना स्टूडेंट, जो काउंसलिंग की जो डेट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि 12 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट 18 अक्टूबर तक आपके यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग का यहाँ पर मौका रहेगा। यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, जो रिजल्ट आपका सेकेंड काउंसलिंग का 21 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगा, और जो एडमिशन की डेट यहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट 26 अक्टूबर तक यहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में बता देता हूँ स्टूडेंट, अगर आप जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो जिन स्टूडेंट को कॉलेज से एलोटेड हो चुका है, अगर वो सीट अपग्रेड की सोच रहे हैं, तो उन स्टूडेंट से मैं रिकमेंड करूँगा जब आप यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग करोगे सीट अपग्रेड के लिए, तो सिर्फ उन कॉलेजेस को ही अपनी प्रेफरेंस में भरना जहाँ पे आप एडमिशन चाह रहे हैं। कहने का मतलब है अपने सीट अपग्रेड करके उस कॉलेजेस में एडमिशन चाह रहे हैं। सबसे पहले मैंने उन स्टूडेंट की बात कर दी है किस तरीके से आपको सेकेंड काउंसिलिंग में कॉलेजेस प्रेफरेंस भरने हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें ऑलरेडी कॉलेजेस मिला हुआ था, लेकिन वो सीट अपग्रेड के लिए मैंने ऑलरेडी उन स्टूडेंट को बता दिया किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने स्टूडेंट, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकेस अगर आपको सीट अपग्रेड में जो कॉलेजेस आप भरोगे, इन केस आपको कॉलेजेस सेकंड काउंसलिंग में एलोटेड नहीं होता है, देन फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेजेस आपको एलोटेड हुआ था वही सीट आपको रिटेन मिलती है, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कोई भी कॉलेजेस सेकंड काउंसलिंग में नहीं एलोटेड हुआ था, उन स्टूडेंट को प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से बननी है, जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का कॉलेजेस पढ़ रहा है उसे अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस यहाँ पे भरनी है। इनकेस अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इंटरेस्टेड है स्टेट कोटा की सीट के लिए, तो उसी कंडीशन में ही स्टूडेंट आपको गवर्नमेंट प्रेफरेंस के बाद प्राइवेट कॉलेजेस का कॉलेज यहाँ पे फिल करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ आपको समझा दी स्टूडेंट। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं की थी वो सेकंड काउंसलिंग यहाँ पे कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेजेस एलोटेड हुआ था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, उन स्टूडेंट को भी सेकेंड काउंसलिंग करने का मौका है। ध्यान देने स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने बता दिया 18 अक्टूबर तक यहाँ पे लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। जैसे आपने फर्स्ट काउंसलिंग की थी स्टूडेंट, सेम प्रोसेस यहाँ पे हुई रहने वाला है। अब फीस के रिगार्डिंग यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है स्टूडेंट, जब आप लॉग इन कर रहे होंगे, जिन स्टूडेंट की सीट अपग्रेड है ऑलरेडी, जिन्होंने कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया होगा और सीट अपग्रेड करने की सोच रहे हैं उस कॉलेजेस में जो प्रेफरेंस में वो भरोगे, तो शायद मुझे लग रहा है उनकी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। अगर आपकी अगर उनकी फ़ीस लग रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कोई कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुआ था फर्स्ट काउंसिलिंग में, मे भी शायद उनकी भी फ़ीस नहीं लग रही है, अगर लग रही है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट काउंसिलिंग नहीं की थी उन्हें फ़ीस यहाँ पर ज़रूर पड़ेगी, और साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट काउंसिलिंग में कॉलेजेस एलोटेड हुआ था और उन्होंने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, शायद उनकी भी फ़ीस पड़ रही है, तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे श्योर कमेंट बॉक्स में बता देना स्टूडेंट। बाकी कुछ भी क्वेरी आपकी है तो ज़रूर मुझे बता देना, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का अगले वीडियो में रिस्पांस दे दूंगा। अनदर क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और ध्यान देना स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने बता दिया 18 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट यहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग के रहने वाली है, और जो रिजल्ट की डेट ऑलरेडी मैंने कह दिया स्टूडेंट 21 अक्टूबर को आपका जो कॉलेजेस है सेकेंड काउंसलिंग का हो एलोटेड होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।